फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, ओपन योर हिंदी बुक एंड देन पेज नंबर ओपन 19. हैव यू ओपन पेज नंबर 19? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा. तो पहले वाले वीडियो में हम ऊ की मात्रा सीख चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऊ की मात्रा. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो हम शुरू करते हैं. ध, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम इसको पहचान करेंगे कि ये ऊ की मात्रा कैसे बनती है. आपने देखा होगा बच्चों, सबसे पहले हम ऊ की मात्रा जो हम सीखी थी उसका टर्न इस तरह से होता है. ओके, अब जो बड़े ऊ की मात्रा है यानी ऊ, तो ऊ की मात्रा का टर्न किस तरफ होता है? इस तरफ से हम यू टर्न करते हैं. ठीक है, एक बार और ध्यान से देखेंगे. इसका जो माउथ होता है वो इस तरफ आता है लाइक दिस, एंड जो इसका जो टर्न करने पर इसकी जो टेल बनती है इस तरह से बनती है. समझ में आ गया आप सबको? ओके, तो यह है ऊ की मात्रा. ध, ध में हम अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? धू. ब में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? बू. इसका जो साउंड आता है वो क्या होता है? लंबा खिंचता है. जैसे हम बोलने पे बू, धू एंड सू, इस तरह से आपको इसको बोलने का अभ्यास करना है बार बार. तो हम शुरू करते हैं. ध में ऊ की मात्रा धू प, तो क्या बन गया? धूप. स में ऊ की मात्रा सू प, सूप. द में ऊ की मात्रा धू ध, दूध. भ में ऊ की मात्रा भू ख, भूख. ब में ऊ की मात्रा बू. ड में अभी आइडेंटिफाई, आप पहचानो ये किसकी मात्रा है जो हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सी मात्रा है? ई की. तो ये क्या बन गया? डी. तो बू और डी को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बूढ़ी. ख, ज में ऊ की मात्रा जू र. तो अब हम इन तीन चारों को एक साथ पढ़ के देखेंगे तो पूरा शब्द क्या बनेगा? खजूर. खाया बच्चों आपने खजूर? यस, इसको खाने से भी ताकत मिलती है. हम इसको मिल्क में बॉयल करके भी पीते हैं. ठीक है, प में ऊ की मात्रा पू र ब, पूरब. पूरब क्या है? पूरब एक दिशा का नाम है. जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं हैं ना, उसमें से एक दिशा कौन सी है? पूरब. सू, सामे ऊ की मात्रा सू र त, तो क्या बन जाएगा? सूरत. म, या में कौन सी मात्रा लगाई इसमें? ऊ की और र, तो क्या बन गया? मयूर. मयूर मतलब मोर. देखा आपने मोर? यह सबने देखा होगा मोर. तो प में आ की मात्रा पा ल, त में ऊ की मात्रा तू. तो सबको, अब हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? पालतू. ठीक है, स में ऊ की मात्रा सू च न, और न में आ की मात्रा ना, तो क्या बन गया? सूचना. क, ब में ऊ की मात्रा बू त र, तो क्या बन गया? अब हम इन सबको एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा? कबूतर. यस, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? कबूतर का. अ, म, र में ऊ की मात्रा रू द, तो क्या बन गया? अमरूद. आपको पसंद है अमरूद? यस, दिस इज अ, जो जो चित्र है वो किसका है? अमरूद का. श, ह, त में ऊ की मात्रा तू त, तो क्या बन गया? शहतूत. इस टाइप से जब चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका चित्र है? शहतूत. शहतूत एक फ्रूट का नाम है जिसको खाया जाता है. ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? नेक्स्ट पेज नंबर ओपन 20. हैव यू ओपन पेज नंबर 20? तो हम इस रीड करेंगे. भू ल भूल, फू ल फूल, धू ल धूल, झू ल झूल, मू ल मूल. ये सब सारे वर्ड जो हैं वो सभी हैं वो बड़े ऊ की मात्रा के, जिसका साउंड कितना है, कैसा होता है साउंड? लंबा, जो हम बोलने पर उसका जो मात्रा है वो लंबी खिंचती है. ठीक है, फूट फूट, बूट बूट, टूट टूट, लूट लूट, जूट जूट. आ रहा है बच्चों आप सबको समझ में? एक, ठीक है बच्चों, ओके. धूप धूप, रूप रूप,
सूप, सूप, सूप जानते हो कुछ जो सर्दियों में गर्म गर्म सूप पिया जाता है, टमाटर का सूप इस तरह से। कूप, कूप, कूप मीन्स कुआ जिसको हम बोलते हैं। शूप, 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 शूप। आलू, आलू। भालू, भालू। शालू, शालू। तालू, तालू। टालू, टालू। इस तरह से बच्चों आपको इन शब्दों को बोलकर इनका अभ्यास करना है। अगला है चूना, चूना। सूना, सूना। भूना, भूना। जूना, जूना। पूना, पूना। पूरा, पूरा। चूरा, चूरा। बूरा, बूरा। घूरा, घूरा। भूरा, भूरा। अगला है टूटा, टूटा। बूटा, बूटा। फूटा, फूटा। लूटा, लूटा। कूटा, कूटा। जूता, जूता। छूता, छूता। बूता, बूता। सूता, सूता। झूठा, झूठा। झूठा, झूठा। रूठ, रूठ। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि हम बोल रहे हैं तो हमें इससे पहचान हो रही है कि जो ऊ की मात्रा है उसका साउंड कैसा हो रहा है, लंबा जा रहा है। ठीक है। रूप, रूप। रूखा, रूखा। रूपक, तो क्या बन गया, रूपक। रूपया, रुपया। फूल, फूल। बबूल, बबूल। अमूल, अमूल। कबूल, कबूल। त्र, अब त्र में कौन सी मात्रा है, ई की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। त्रि, शूल, त्रिशूल। ठीक है बच्चों। पूछना, पूछना। सूचना, सूचना। कूदना, कूदना। भूलना, भूलना। घूमना, तो क्या बन गया, घूमना। कबूतर, कबूतर। मजदूर, मजदूर। मजबूर, मजबूर। मशहूर, मशहूर। मजदूर, मजदूर। ठीक है बच्चों। कचालू, तो क्या बन गया, कचालू। खरबूजा, तो क्या बना, खरबूजा। शहतूत, शहतूत। तरबूज, तरबूज। अमरूद, अमरूद। तो इस तरह बच्चों ये जब ऊ ये जो शब्द हमने पढ़े हैं ऊ की मात्रा के, इनको आपको बोल बोल कर इनको बोलने का अभ्यास करना है। पहले हम इसको बोलने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद लिखने का अभ्यास भी करना है आपको। अपनी रफ कॉपी में भी आप इनको बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर ओपन 21। हैव यू ओपन पेज नंबर 21? ओके। नीचे दिए वाक्यों पर सही मात्रा लगाकर वाक्य पूरा करिए। ठीक है बच्चों। अब हम ध्यान से देखेंगे, लिखा ये भाल वाला, भाला लाया। अब आप ध्यान से देखेंगे ये सेंटेंस सही बन रहा है क्या, वाक्य सही नहीं बन रहा है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। हमें क्या करना है कि इस वाक्य में सही मात्रा लगानी है, सही जगह। जैसे भाल वाला भाल लाया, तो इसमें हमें क्या करेक्शन करना है, भाल की जगह जो ऊ की मात्रा किस पर आएगी, ल पे, तो क्या बन जाएगा, भालू। ठीक है। भालू वाला भालू लाया,
ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? नंबर दो टू पर भाल डमर बजाकर नाचा, तो सही वाक्य क्या बनेगा? भालू डमरू बजाकर नाचा। नेक्स्ट तरबज खाकर कबूतर उड़ा, इट्स मीन दैट कि ये क्या मतलब है इसका, ये वाक्य क्या है, ये गलत है, तो हम ऊ की मात्रा लगाएंगे। तरबूज खाकर कबूतर उड़ा। नेक्स्ट आल पड़ी खाकर गाना गा, तो जो शब्द है आल वो क्या है, रॉन्ग, हमें सही जगह पर ऊ की मात्रा लगानी है, तो क्या बन गया? आलू पूड़ी खाकर गाना गा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आपको? इस तरह से आपको ऊ की मात्रा लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, चित्र देखकर सही शब्द भरिए, जो हमारा अगला को प्रश्न है वो क्या है, चित्र देखकर सही शब्द भरिए। तो मनु एक डैश लाया, तो मनु क्या लाया, एक, ये किसका चित्र है, जूता। तो ज ज में ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता, तो क्या बन गया, जूता। ठीक है, डैश उड़ गया, तो क्या उड़ गया, ये किसका चित्र है, कबूतर उड़ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे क ब, ब में ऊ की मात्रा बू, त र, तो क्या बन गया, ये कबूतर उड़ गया। डैश की माला बना, किसकी माला बना, फूल, फ, फ में ऊ की मात्रा फू, ल, तो किसकी माला बना, फूल की माला बना। नंबर चार डैश लाल लाल होता है, क्या लाल लाल होता है, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है, तरबूज का, तरबूज अंदर से कैसा होता है, लाल। तो त र ब में ऊ की माता बू ज, तो क्या बन गया, तरबूज लाल लाल होता है। नंबर पाँच रोज डैश पी, तो रोज क्या पीना चाहिए, दूध। ग्लास में आपको ये दिखाई दे रहा है वो किसका है चित्र, दूध, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द, द में ऊ की माता दू ध, तो क्या बन गया, ये दूध। इस तरह से बच्चों आपको इस एक्सरसाइज का बोलकर और लिखकर अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, इसको इस तरह से आपको ऊ की मात्रा का बार बार बोलकर और लिखकर अभ्यास करना है। ठीक है, आगे समझ में आप सबको।